नगर विकास आवासन स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्री चांदी अरोड़ा साहब, माननीय हमारे अध्यक्ष विधायक लक्ष्मणगढ़ गोविंद सिंह दुतासा जी, सीकर के लोकप्रिय विधायक और वरिष्ठ नेता हमारे साथी राजेंद्र पारिक साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शासन सचिव डॉक्टर गंगाराम जी, श्री गौरव गोयल जी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष कुमार शर्मा जी डायरेक्टर, नगर परिषद सीकर के अध्यक्ष जीवन खान साहब, उपसभापति अशोक चौधरी जी, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, तमाम अन्य उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान छात्र, सुनीता कौन जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस क्या नाम है सुनीता गिटाल सुनीता जी हाँ सुनीता जी और जिला अध्यक्ष सुनीता जी और अन्य उपस्थित तमाम अतिथिगण भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बहुत लंबे अरसे थे भाई साहब का आग्रह था कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास का, एक बार प्रोग्राम बन भी गया था पर बाद में कुछ कारणों से संभव नहीं हो पाया। मुझे खुशी है कि जो भी दोतासा जी कह रहे थे कि पारिक साहब ने समर्पित होकर लंबे अरसे थे सीकर शहर की सेवा की है अपने क्षेत्र की, और वो पीछे पड़े रहते हैं किस प्रकार से जो फैसले होते हैं उनको लागू करवाया जाए। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही अवसर होता है कि वो अपने क्षेत्र की पैरी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। लंबे अरसे से मेरा संबंध रहा सीकर से, जब कभी जाना होता बीकानेर भी तो सीकर होके जाते हैं और रुकते भी हैं। सीकरवासियों की भावनाएं लगातार हम तक पहुंचती भी है, पहुंचे भी गई है, और सीकर में कोई कमी रहने दी गई है, जब जब मौका लगा है फैसले किए भी हैं। ऑडिटोरियम के बारे में भी हरी वाली बता रहे थे आपको, 16-17 जगह पर ऑडिटोरियम बनेंगे। ये सरकार की नीति है कि हम चाहते हैं कि हर जिला मुख्यालय पर ऑडिटोरियम हो, टाउन हॉल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, उसके दिशा में भी सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। और उसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि अभी जयपुर में कॉन्शियस क्लब बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, उसका भी जराना इंस्टीट्यूट एरिया में भी एक ऑडिटोरियम बन रहा है, शासन सचिवालय बन रहा है, बीकानेर में भी 3 दिन पहले ही वहाँ लोकार्पण करके आए, बहुत ही शानदार, करीब मेरे ख्याल 1200 कैपेसिटी का था ऑडिटोरियम, बहुत शानदार बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से कई जगह पर जोधपुर में भी ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। ये सरकार की नीति भी है कि किस प्रकार से हम लोग वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएं आम जनता को, जिनका विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग हो सके। आज अगर ये सुविधा उपलब्ध होती है तो उससे आपके चाहे कुछ कल्चर प्रोग्राम हो, चाहे कोई मीटिंग करनी हो, सेमिनार हो, तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलती है पूरे जिले वासियों को। और इसमें कोई दौरानी सीकर आज राजस्थान हो तेज गति से विकास करता है शहर के रूप में माना जाता है। अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे कि इनका कॉम्पिटिशन कोटा से है, मैं कहूँगा कोटा से कॉम्पिटिशन नहीं है, कोटा से पहले आगे बढ़ा हुआ था, लाखों विद्यार्थी पढ़े थे। आप ही कहिए हम तेज गति से प्रतिस्पर्धा के स्थिति में पहुंचने वाले हैं, उस रूप में हमारे वहाँ पर कोचिंग क्लासेस भी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और सीकर का नाम और सीकावड़े नाम तो पूरे देश के अंदर है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब आप बनाते हो, पहले प्रतिभा पाटिल को बना दिया राष्ट्रपति, फिर शेखावड़ा को बना दिया, और मैं समझता हूँ धनखड़ साहब जब आपके शेखावटी गए हैं, तो ये सौभाग्य आपको ही मिला कि बांगड़ बिरला गोयनकाज पोदार जितने भी बड़े बड़े उद्योगी घराने हैं वो भी आपके
छेकावटी गई हैं, जिनका आज भी देश के अंदर नाम है। बजाज फैमिली का कहना है क्या, जमनालाल बजाज का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है हमेशा के लिए, जो गांधी जी के साथ में रह के जो जिस प्रकार उन्होंने अपना को समर्पित किया, अवसर आया कि एक बार वो साबरमती आश्रम में जाकर रहने लगे अपनी पत्नी के साथ में, तो उससे अंदाज कर सकते हो कि उस जमाने के अंदर जमनालाल बजाज वो आपके सीकर के हैं, जिनके नाम का रेस्टोरेंट बना है, ये बन रहा ऑडिटोरियम बन रहा है, वो एक प्रकार से जिस रूप में उन्होंने मैंने कहा समर्पित किया का मायने है। मैं वर्धा में देख के आया उनका खुद का घर जहाँ पर निवास करते थे, जहाँ मंदिर बना हुआ है और इतिहास में लिखा हुआ है कि उस मंदिर में उन्होंने उस जमाने में हरिजन प्रवेश करवाया था। वो संस्कार वो जमाने के थे जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने और उस वक्त भी बड़े बड़े नेता और भी थे, चाहे वो लोकमान्य तिलक थे या आपके अन्य जो नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लंबी फहरिस्त थे, चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद का नाम तो सभी जवान पर है, सुभाष चंद्र बोस, लंबा संघर्ष चला और हम लोग आखिर में आजाद हो गए। आज हम 75 साल मना रहे हैं आजादी के, और 75 साल के अंदर अभी प्रोग्राम कई बनाए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और राजस्थान सरकार भी प्रोग्राम बना रही है, पूरे साल में चलेंगे, 15 अगस्त लगा करके 22 लगा के 23 तक चलेंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो हम लोग नई पीढ़ी को बता सकते हैं, हमारे उन लोगों ने जो आज हमारे बीच में बहुत कम बचे हैं फ्रीडम फाइटर के रूप में, उनका योगदान कितना बड़ा था मुल्क की आज़ादी के अंदर। और जब मुल्क आज़ाद हुआ 47 में, आज 75 साल में जो सफर तय किया है वो सफर अपने आप में वो इतना लंबा है और इस कदर उपलब्धि भरा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हमारे बीच में, वो जानते हैं कि आज़ादी के वक्त क्या था देश के अंदर, ना शिक्षा, ना स्वार्थ, ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना सोशल सिक्योरिटी की कल्पना नहीं कर सकते थे। आज तो बढ़ चढ़ करके सब काम हो रहे हैं और जो कुछ हो रहा है देश के अंदर सभी क्षेत्र में उन्होंने प्रगति कर ली है, इस पर हमें गर्व है। मैंने भारत सरकार के हमारे अभी कल परसों ही गृह मंत्री जी ने वीसी करी थी, तब भी मैंने देखा कि प्रोग्राम बन रहे हैं, तो प्रोग्राम बनने के साथ साथ में जब तक आप बताओगे नहीं देशवासियों को कि कितना बड़ा जंप हमने किया है दुनिया के मुल्कों के साथ के अंदर, तब जाके उनको गर्व का एहसास होगा और तब घर घर तिरंगा झंडा लगाने की बात हम कर रहे हैं वो कामयाब होगा। उसके पहले माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान सरकार भी पूरा सहयोग करेगी, हर घर तक कह झंडा पहुंचे, किस प्रकार से ये घर महसूस करे हर परिवार। पर इसमें मैं गैप देखता हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार आगे आएगी और जो उपलब्धि हमारी है उसको बताने में भी कोई संकोच नहीं करेगी, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आपका 75th ईयर जो है वो सेलिब्रेट हो, तो फिर आपको देश का जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन जो भी है, सब हम लोग किस प्रकार प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भाव में रहें और सब मिलकर कैसे हम लोग देश को एक अखंड रखें, कैसे आगे बढ़ाने के लिए काम करें, गुड गवर्नेंस देवे सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, गुड गवर्नेंस से ही आम आदमी को सुविधाएं मिलती है, परेशानी कम होती है, विकास होता है। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं,
मैं इस मौके पर ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भी हमने जो पेश किए बजट पेश किए हैं, योजना बनाई है, वो लाजवाब है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में वो चिरंजीव योजना, चाहे किसानों के लिए हमने कई तरह की छूट दी है, किसान के लिए अलग बजट पेश किया है। अब मैंने घोषणा करी कि अगला बजट जो हमारा होगा वो युवाओं को और छात्रों को समर्पित होगा। और मैंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो आम जनता, युवा, छात्र जो भी सुझाव देंगे हमें युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, उसको हम समावेश करने का प्रयास करेंगे। एक शानदार बजट, अगला बजट भी पेश करें हम लोग, जिससे कि नई पीढ़ी को एक अवसर मिल सके, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, देश के नवनिर्माण के अंदर उनकी भागीदारी हो सके। यही मैं समझता हूँ अमृत महोत्सव की जो हम बात कर रहे हैं वो तभी कामयाब होगा, तब हम इस प्रकार का माहौल बनाने में कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि सरकार तो फैसले किए जा रही है, कोचिंग क्लासेज में बच्चे जो गरीब हैं फीस नहीं दे सकते हैं, करीब 15,000 बच्चों को हम लोग सुविधा दे रहे हैं, 200 बच्चों छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा खर्चा सरकार देगी, वो हमने घोषणा करी है, 40 बच्चे जा चुके हैं। तो कमी नहीं लग रहे हैं कि क्या क्या राजस्थान में हो सकती है। नौकरियां तो सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा ही उसमें रुचि रखते हैं, 1,25,000 नौकरी हम दे चुके हैं और 1,50,000 प्रक्रियाधीन है आज की तारीख में। अभी 15-20 दिन पहले 1,25,000 थी, आज की तारीख में कल रात को मैंने चर्चा करी है फाइनेंस सेक्रेटरी से, 1,50,000 प्रक्रियाधीन चल रही नौकरी है राजस्थान के अंदर, और 1,00,000 के अतिरिक्त पदों को मैंने 22-23 के अंदर कहा था कि हम नई शुरुआत करेंगे। तो ये काफी कुछ किया गया राजस्थान में। ये पेपर लीक हो जाते हैं, नकल मारने में युवा जो आजकल कुछ लोग गैंग बना लेते हैं उनका इलाज किया गया, पहली बार देश के अंदर कोई राज्य है जहां पर हम लोगों ने इनको जेल में डाला है और कड़ी कार्रवाई करी है, ये भी पहली बार हुआ है। बाकी जो है ओपीएस लागू कर दी कर्मचारियों के लिए भी, पूरे देश के अंदर स्वागत हो रहा उसका। पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है आपके, सिखावटी के लिए भी उसको उद्योग का दर्जा दे दिया, ये एक ऐतिहासिक फैसला जो 40-50 साल में मांग की जा रही थी उसकी। तो ये माहौल जो बन रहा है आपके यहाँ उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेडियम बनते हैं या ऑडिटोरियम बनते हैं इसका बड़ा समाज में महत्व होता है। हम चाहते हैं हर पंचायत समिति के हेडक्वार्टर पर स्टेडियम बने, हर जिले में टाउन हॉल या ऑडिटोरियम बने, धीरे धीरे बड़े कस्बे तक जाएंगे। तो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान पीछे नहीं रहे देश के अंदर, ये सरकार का सोच है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी दुआओं से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। आज ये मुबारक मौका है जब एक नई विकास की कड़ी जुड़ने जा रही है आपके यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ठेकेदार होंगे वो इस ऑडिटोरियम को टाइम बाउंड पूरा करेंगे, क्योंकि टेंडर होना एक बात है, वर्क आदेश देना दूसरी बात है, शिलान्यास होना तीसरी बात है, बस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो समय पर पूरा हो जाए, लाभ मिलने लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन इसको और नगर निगम, नगर परिषद पूरी मॉनिटरिंग करके इस काम को करवाएंगे। बाकी जो सुझाव दिए आपने विकास के बारे में कि आप मांगते मांगते नहीं थकेंगे और मैं देता देता नहीं थकूंगा, ये जुमला बन गया राजस्थान के अंदर। ये मैंने एमएलए को कहा है कि भाई आप जितने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करोगे वो कभी मना नहीं करेंगे। नहीं, हकीकत बन गया सर। मना नहीं करेंगे। मोदी जी वाला 15,00,000 वाला था। पर ये मैंने कहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं, पर अब आपको ही मांगते हुए आपको खुद को जो है एहसास करेंगे आप लोग कौन सी चीज मांगना प्रायोरिटी के लिए, जो सारी मांगे एक साथ कर लोगे, प्रायोरिटी तय नहीं करोगे फिर दिल हो जाएगा। हम कहते हैं कि आप मांगो, आप ग्राहक हैं, सरकार आपके लिए स्वीकृति जारी करेगी, पर प्रायोरिटी आपकी खुद की होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अभी आपको देखना पड़ेगा
बाकी आपने जयपुर रोड पर ड्रेनेज का प्रस्ताव की बात की है, अध्यक्ष जी ने, जीवन कांत जी ने सड़कों की बात भी करी है, दूता साहब जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, पारी साहब तो क्या देते ही रहते हैं मेरे ख्याल से, मिनी सचिवालय का कार्य भी नगर परिषद सौंपा जाए आप ये कह रहे हैं, तो कार्यवाहियों में छोड़ता हूँ उनके ऊपर, ये एग्जाम भी कर लेंगे आपके, अभी कह दिया अध्यक्ष जी ने कि बहुत गहरे मित्र हैं आप, मिलकर तय कीजिए किस प्रकार से इसको करना है। नवलगढ़ रोड और पिपरजी रोड पर शिवरेज का कार्य, ये अध्यक्ष जी बार बार कहते रहते हैं, आप कहेंगे सब काम करेंगे, इसका भी आप एस्टिमेट बनवाना शुरू कर दीजिए भाई साहब, इसका एस्टिमेट भी बनवाइएगा, लाड़ मत लाओ। हाँ ब्रो, और जयपुर और बाकी सब बातें जो आपने कही है वो की जाएगी। इस मौके पर मैं पुणे नगर परिषद के अध्यक्ष जी को, तमाम साथियों को और पारिक साहब को बहुत बधाई देता हूँ, पूरे शिखरवासियों को, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो भी घोषणाएं हुई है, ये घोषणा आपकी, बाकी अभी काम शुरू नहीं हुआ है, बताया गया मुझे अध्यक्ष जी बता दे 80 करोड़ रुपये आपके कोर्ट के बिल्डिंग बनने के आपको स्वीकृत किए जा चुके हैं, पर तो काम अभी शुरू नहीं हो रहा है, नहीं टेंडरिंग नहीं हुआ, तो आप, मैं जिला कलेक्टर साहब से कहना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं दोबारा होगा कि ये जो है ये 80 करोड़ किसे कहते हैं, 80 करोड़ के कोर्ट के बिल्डिंग बनेंगे तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं, जिला जी बात नहीं, तो मैं चाहूंगा कि ये काम तो बहुत प्रायोरिटी का होना चाहिए, 6 महीने हो गए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुए, कहाँ अटका हुआ बता दीजिए। सर नमस्कार सर, मैं थोड़ा ब्रीफली निवेदन कर दूं सर, अगर आज्ञा दें तो। हाँ बोलिए बोलिए सर। ये इसमें एक लाइन शिफ्टिंग का इशू था जो RVPNL के साथ चल रहा था, जिसके लिए कि अब तीनों पार्टियों ने मौके पर जाके उसको डिमार्केट भी कर लिया है कि लाइन कहाँ से शिफ्ट की जानी है, एक राशि है जो कि PWD के खाते में जमा की जानी है और PWD फिर फर्दर उसको RVPNL से करके, और उसका पहले लाइन शिफ्टिंग का एक DPR बनेगा, वो बड़ा काम है सर लाइन शिफ्टिंग का, क्योंकि वहाँ RVPNL की काफ़ी एक बड़ी लाइन जा रही थी, उस कारण से वो काम शुरू होने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन इसको अभी जल्दी ही शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक है, देख ले, ठीक है, देखते हैं।